राष्ट्रीय जनता दल के झंडे को किसने आग लगाया था? हमने लगाया था राष्ट्रीय जनता दल के झंडे को आग, कि उनके बेटे ने लगाया था राष्ट्रीय जनता दल के झंडे को आग। तब वो कहाँ गए थे? एक तरफ राष्ट्रीय जनता दल का झंडा जलवाते हैं, दूसरे तरफ चमकाते हैं कि उसके विरुद्ध हम राजनीति करते हैं। ये दोहरी राजनीति नहीं चलेगी। दंड जितना उनको मैंने दिया, तो एक बाप अपने बेटे को दंड नहीं दे सकता। पार्टी मेरे लिए सर्वोच्च है, और पार्टी के रास्ते में जो खड़ा होगा मैं उसे अपना नहीं मान सकता हूँ। इसके बाद भी अभी सवाल है, चुनाव लड़ा नहीं। देखिए, अब यही पर सेंसिबल चीज़ नहीं है। मैं आपका जवाब दे रहा हूँ, इससे बड़ा जवाब हो सकता है कि मैं खड़ा होकर के यदि देश के इतिहास में कोई बाप अपने बेटे को चुनाव में खड़ा होने के बाद हराया हो तो जगदानंद के सिवा? इससे कि पार्टी मेरे लिए सब कुछ है। मैं पार्टी का MLA, मैं पार्टी का सांसद था, हमारा कार्यकर्ता खड़ा है, बेटा के चलते हमारे सामने खड़ा हो जाएगा। मैं उसे अधर्म नहीं मानता हूँ कि मैं उसको दंडित करूँ। अब दंडित करने के बाद अब कौन सा मैं दंड दे दूँ उसको? अभी आपके पास सवाल न जवाब न हो तो कृपा करके नहीं, अपने नहीं प्लीज हु ही तेज प्रताप? आई एम नॉट अकाउंटेबल टू तेज प्रताप, आई एम अकाउंटेबल टू लालू प्रसाद, ही तो माई प्रेसिडेंट। बात का ख्याल करो। नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। बिहार में बाढ़ है और दिल्ली में लालू यादव काफ़ी एक्टिव। अपोजिशन को इकट्ठा करने चले हैं, लेकिन घर में ही महाभारत छिड़ी हुई है, उसके बारे में लग रहा है उनको भनक ही नहीं है कि जो बड़े बेटे तेज प्रताप कभी कृष्ण बने थे और तेजस्वी को बनाए थे अर्जुन, दोनों भाइयों में ही छिड़ गई है महाभारत। मोहरा बने हैं इसमें प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह। 10 दिन तक कोप भवन में पड़े थे, नाराज थे। काफ़ी पुराने नेता हैं, समझदार और गंभीर नेता हैं, लेकिन लालू के लाल बड़े बेटे तेज प्रताप उनको कुछ नहीं समझते हैं। उनसे उनका 36 का आंकड़ा चल रहा है और इसी में हो गई लड़ाई। जगदानंद सिंह को मनाने में लालू यादव भी लगे, राबड़ी देवी भी लगी और तेजस्वी यादव भी मान तो गए, लेकिन आते ही बड़े बेटे तेज प्रताप के नज़दीकी राज छात्र राजद जो है उसके मुखिया आकाश यादव को हटा दिया, गगन कुमार को बना दिया, बस तेज प्रताप भड़क गए। और सुनिए तेज प्रताप क्या कह रहे हैं। छात्र के संरक्षक किसने बनाया? छात्र की उपज कहाँ से हुई, हम ये जानना चाहते हैं बस। कौन क्या बोलता है नहीं बोलता है, इन चीज़ों पर मैं ध्यान और फोकस नहीं कर रहा हूँ। मेरा कहने का मतलब ये है कि जब हम छात्र के संरक्षक हैं तो छात्र के संरक्षक को पूछा नहीं गया। फिर से पार्टी कार्यालय में कोई भी आदमी जाता है तो उसको बेइज्जत करके लौटा दिया जाता है पूरे तरीके से। और देख लीजिए, ये लोग पूरे तरीके से ये चाह रहे हैं कि पूरी जनता के रुख को चेंज कर दें, लेकिन ये कामयाब होने वाले नहीं है कि जनता के रुख में तेजस्वी जी हैं मुख्यमंत्री, और तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बन के, और वो हम लोगों ने छात्र के जितने भी नौजवान हैं हम लोगों ने घूम घूम करके, चाहे बाढ़ हो, कोरोना हो, कोरोना काल में भी हम लोगों ने लालू रसोई लगाने का काम किया था, और लगातार हमने घूमने का और तेजस्वी के लिए दौरा करने का काम किया। तो ये चाह रहे हैं, ये पूरे तरीके से ये चाह रहे हैं कि घर में, समाज में, पार्टी में पूरे तरीके से बदनामी हो। लेकिन जो इस तरीके का जो काम ये रवैया अपना लिए हैं, वो सीनियर हैं, पिताजी के साथ वो मंत्री रह चुके हैं, हम उनका आदर करते हैं, हम उनका सम्मान करने का काम करते हैं, लेकिन जिस तरीके से बिना किसी को नोटिस दिए हुए कि भाई उसकी गलती क्या है, मान ली ये आज हमने चैनल के माध्यम से हमने सुनने का काम किया, वो बोल रहे हैं कि हु इज़ तेज प्रताप यादव, तो हम ये उनसे पूछना चाहते हैं कि हु इज़ तेज प्रताप यादव? तो आपने बड़ा आसानी तरीके से मीडिया में अपना चेहरा चमकाने के लिए अपना बोल दिया, लेकिन आप पिताजी से जा करके पूछिए कि हु इज तेज प्रताप यादव, पिताजी आपको खुद बताएंगे कि हु इज तेज प्रताप यादव। इस तरीके का सवाल जब वो उठा रहे हैं तो आम कार्यकर्ता के साथ क्या होता है इस संगठन में, वो भली भांति आपके चैनल के माध्यम से आज हम पूरी बिहार की जनता आज लाइव हमको सुनने का काम कर रही है, और ये हम बताने का काम कर रहे हैं कि किस तरीके से जो आम कार्यकर्ता है, जो आम कार्यकर्ता भी अगर जाएगा वहाँ पर तो किस तरीके से उसको बेइज्जत किया जाता है। इन्होंने बोला है हम बैकवर्ड हैं और यादव के लड़के हैं, और पूरे तरीके से ये इस तरीके का काम करने का काम कर रहे हैं। और आम कार्यकर्ता का अगर हम बात कर लें तो पूरे तरीके से वो पैक रहता है पार्टी कार्यालय, आप लोग सब जानते हैं, सब लोग जाते हैं वहाँ,
जितने लोग भी हैं, आप देख करके खुद देखिए, देखने का काम कीजिए कि किस तरीके से लोहा को जंजीर से आप पार्टी कार्यालयों को बांध करके रखा जाता है। पहले तो ऐसा नहीं था। छात्र का सभा के बारे में बोल रहे हैं कि छात्र का हमने नियुक्ति नहीं किया, गठन नहीं किया है, कल तक वो भूल जाएंगे कि कौन है लालू यादव, हु इज़ लालू यादव, कल ये भी बोल सकते हैं, परसों बोलेंगे हु इज़ तेज प्रताप यादव। तो ये इनकी मंशा जो है, एज होते होते इनकी मंशा जो है थोड़ी सी ये हताश हो गए हैं पूरे तरीके से। इनको रास नहीं आ रहा कि नौजवान आगे बढ़ रहे हैं या संगठन को हम लोग आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं लगातार। ऐसा नहीं है कि संगठन में हम घुस करके संगठन को तोड़ने का हम काम कर रहे हैं। संगठन में जो गरीब गुरबा है, जिसको अधिकार मिलना चाहिए, उसको पूरे तरीके से पूर्ण रूप से समाज में बोलने का, बैठने का, चलने का, सामाजिक न्याय का बात को बताने का, ये किसने बोला हम ये जानना चाहते हैं, ये किसने बोला। आप उसकी विचारधारा को, आप जेपी जी की विचारधारा को, आप लोहिया जी की विचारधारा को, आप जो जयप्रकाश जी का जो विचारधारा था और जो लोहिया जी का जो विचारधारा था और जो कर्पूरी ठाकुर जी का जो विचारधारा, इसको आप बदलने का काम कर रहे हैं। लेकिन आपके बदलने से और इस तरीके का बयान देने से हम पूरे तरीके से हताश होने वाले नहीं हैं, ना हमारा कोई छात्र का नौजवान हताश होने वाला, क्योंकि पूरे लगातार हमको छात्र के नौजवान लोग अभी भी गेट पे आए हैं हमसे मिलने के लिए, लगातार परेशान हैं पूरे तरीके से कि इस तरीके से संगठन में हो क्या गया, अचानक से सब अच्छा चल रहा था कार्यक्रम इस तरीके का हो रहा है। अगर इस तरीके का संगठन में अगर बात उठा है तो हमसे पूछा क्यों नहीं गया, बिना सोचे समझे। अब ये तो पार्टी का संविधान है, आप देख सकते हैं पार्टी के संविधान में राष्ट्रीय जनता दल का जो संविधान है, पूरी मीडिया के लोग इसको देखने का काम करें, और धारा 33 में क्या दिया हुआ है कि आप किसी को भी अगर आप ऐसे ही बिना सोचे समझे आप बाहर नहीं कर सकते हैं। ये पार्टी के पूरे विरुद्ध में चल रहे हैं, पार्टी के नियमों और कानूनों को फॉलो नहीं कर रहे हैं ये पूरे तरीके से। या तो हमको तो लगता है इनको आरएसएस वाले लोग हैंडल कर रहे हैं पूरे तरीके से, या इनको पूरे तरीके से कैप्चर कर लिया गया। ये पार्टी का जो संविधान जो है इसमें धारा में, इसको मैं पढ़ के आपको सुना देता हूँ। और केवल आकाशी नहीं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बेइज्जत होते हैं, हमारे विधायक भी बेइज्जत होते हैं, जो हमारे पार्टी के जो विधायक हैं जहानाबाद के सुदय जी, उनको धक्का दिया गया है, पार्टी के विधायक हैं। अब तो आम आदमी जो जाएगा उसका क्या इति होता होगा, आप देख सकते हैं पूरे तरीके से। तो इस तरीके का काम कर रहे हैं हम, पार्टी को कोई तोड़ने उड़ने का काम हम नहीं कर रहे हैं। पार्टी को हमेशा शुरू से ही छात्र के लोगों ने, क्योंकि छात्र के ऊपर ही लालू प्रसाद यादव थे, और ये भूल रहे हैं पूरे तरीके से कि जिनको अपना नेता मानते हैं, जिनको अपना आइडियोलॉजी मानते हैं, और उन्हीं के बेटे के ऊपर ये आरोप लगा रहे हैं। कल हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं, कल हमारे पिताजी के ऊपर आरोप लगाएंगे, तो शुरू से यही करते आए। राष्ट्रीय जनता दल के झंडे को किसने आग लगाया था, हमने लगाया था राष्ट्रीय जनता दल के झंडे को आग, कि उनके बेटे ने लगाया था राष्ट्रीय जनता दल के झंडे को आग, तब वो कहाँ गए थे। एक तरफ राष्ट्रीय जनता दल का झंडा जलवाते हैं और दूसरे तरफ चमकाते हैं कि उसके विरुद्ध हम राजनीति करते हैं, ये दोहरी राजनीति नहीं चलेगी। तो आपने सुना तेज प्रताप काफ़ी गर्म है कि दोनों भाइयों में लड़ाई लड़वाना चाहते हैं, प्रवासी सलाहकार से सलाह लेकर के वो कर रहे हैं ये सब काम, किसकी तरफ इशारा है आसानी से अंदाज़ा लगा सकते हैं। और जब ये उनसे पूछा गया कि ऐसे ऐसे जगदानंद सिंह ने कार्रवाई की, तो फिर आरजेडी का उन्होंने संविधान निकाल लिया जो उसके बायलॉज हैं कि ऐसे कार्रवाई वो कर ही नहीं सकते थे। अब जगदानंद सिंह क्या कह रहे हैं कि छात्र सभा जो राजद का की छात्र इकाई है उसका तो कोई नेता था ही नहीं, लिया जाएगा पद खाली था, उन्होंने गगन कुमार को बना दिया। तेजस्वी यादव से पूछा गया तो वो कह रहे हैं कि तो प्रदेश अध्यक्ष है, मुखिया है, किसी को हटा सकते हैं, किसी को रख सकते हैं, इस पर कोई सवाल नहीं उठा सकता। तो एकदम साफ साफ लग रहा है कि दोनों भाई आमने सामने हैं, जगदानंद सिंह बीच में मोहरा है, तेज प्रताप पीछे हटने वाले नहीं है। जिस तरीके से आज उन्होंने जगदानंद को ललकारा कि उनके बेटे ने झंडा जलाया था पार्टी का भी और देश का भी, उसके खिलाफ क्या कार्रवाई की, उसका जवाब जगदानंद ने दिया कि मैंने अपने बेटे को हरवाया था, कोई बाप ऐसा नहीं करेगा, ये सब टग ऑफ वार चलता रहेगा। लेकिन लालू के घर में जो महाभारत छिड़ी है, दरअसल वो विरासत की लड़ाई है। अभी तेज प्रताप कह रहे हैं कि वो तेजस्वी को उन्हें मुख्यमंत्री बनाना है, लेकिन हकीकत ये है कि पार्टी के अंदर दो गुट साफ बन गए हैं, तेज प्रताप अलग है, तेजस्वी अलग है, तेज प्रताप को किनारे किया जा रहा है। साफ साफ लग रहा है कि आज नहीं तो कल, अभी तो पिताजी हैं
तेजस्वी को तेज प्रताप ललकारेंगे। अब उसी की तैयारी चल रही है कैसे तेज प्रताप को किनारे कर दिया जाए। तेज प्रताप ने ऐलान कर दिया कि जब वो पार्टी के किसी कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे। आगे आगे देखते हैं होता है क्या, जैसे ही इसको लेकर कोई अपडेट आएगा आपसे साझा करेंगे। आप रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।